नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीपीएम के अंचल सचिव बालेश्वर पासवान जी। इनसे जानेंगे कई सवाल। 13 अगस्त को यह एक कार्यक्रम होने वाला हिलसा प्रखंड के कार्यालय पर, क्या है इसके बारे में बताएंगे। यह हमारे कॉमरेड गोविंद प्रसाद 13 अगस्त 1993 में डंकल प्रस्ताव और उस समय सुखाड़ की स्थिति में हम लोग ने रैली हिलसा प्रखंड में आए थे। उसी समय करीब 100 आदमी के लगभग हम लोग थे। उसी समय लालू जी की सरकार 1993 में थे। हम लोग ने मांग करने के आए थे अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी कि सुखाड़ और डंकल प्रस्ताव के बारे में हमने रखा, लेकिन यहाँ का अंचलाधिकारी लालू जी की मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे जिला सचिव कॉमरेड गोविंद प्रसाद इसी जहाँ स्मारक बनाओ और लोग शहीदों का उसी जगह उनको 13 अगस्त 1993 में आपका उनको हत्या अंचलाधिकारी भूतपूर्व अंचलाधिकारी बिंदा प्रसाद यादव ने उनको हत्या पुलिस की गोलियों से कर दी। उसके बाद हम लोग ने हर वर्ष महीने मनाते हैं गोविंद जी के शहादत दिवस और वो आके प्रखंड कार्यालय पर हम लोग और अंचल कार्यालय पर हम लोग हर वर्ष उनको जो छूटा हुआ अधूरे काम को जनता और किसानों और मजदूरों को बतलाते हैं। इसलिए कि वह जनता किसान के लिए, मजदूरों के लिए और आपका नौजवानों के समस्या लेके आए थे, लेकिन जो बिंदा प्रसाद है उनको करीब 12-1 बजे गोविंद प्रसाद को हत्या कर दिया। साथ ही साथ हमारे साथी कई गो का भी गोलियां लगा, जिसमें राजदो मलाकार सुकुमार पासवान और सरजुग सिंह को बाह में लगा। आज वह यहाँ नहीं है, वह गुजर चुके हैं। और कई साथी और विजिंदा राम को भी गोलियां लगा। उसी दिन से मैंने शहादत दिवस मनाते हैं। यह सरकार का उस समय लालू जी की राज था, तो उसी का तस्वीर है जहाँ पर हम लोग अभी खड़ा हैं, जहाँ मनाया जाएगा। ना, जहाँ वह शहीद हुए हैं, यह तस्वीर तो स्वतंत्र सेनानी का, इसलिए हम यहाँ मनाएंगे 13 अगस्त को 12 बजे 1 बजे दिन में, और बाजार से रैली निकालते हुए उनका माला अर्पण प्रखंड कार्यालय में किया जाएगा, क्योंकि हर बार सब लोग मनाते हैं आए हैं। और उसी तरह का आपका जब जब भी प्रदर्शन होता है तो यहाँ का प्रखंड अंचलाधिकारी हम लोग का विरोधी है और लगातार हम लोग जब जब मांग करने आते हैं तो हम लोग को बात नहीं सुनते। तो इसीलिए जो उनका अधूरा काम शहीद गोविंद प्रसाद का, उनको मैं पूरा करने के लिए और जनता को बतलाने के लिए कि यह जनता अपने संघर्ष करेगा, और CPIM का सचिव थे नालंदा जिला के, तो मैंने उसी दिन से हर वर्ष मैंने मनाते हैं। और मैंने सरकार से मांग की है कि जहाँ शहीद हो वहाँ स्मारक बनना चाहिए, और मैंने आवेदन सरकार ही दिए हुए हैं।